नमस्कार सर। नमस्कार, जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। मेरा सवाल ये है आपसे कि कोरोना के बाद, अभी कोरोना का मुकाबला चल रहा है, लेकिन जनता में सबसे बड़ा भय ये है कि कोरोना के बाद की जो स्थितियां होंगी उनमें अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आएगी, उनका जीवन, उनकी जो रोजी रोटी है वो ठीक ठाक चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। तो सरकार क्या प्रयास कर रही है कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। दूसरा सवाल यह है कि केंद्र सरकार से, क्योंकि इस पूरे मामले में केंद्र की बड़ी भूमिका होगी राज्यों को मॉनेटरी रूप से और सारी चीजें फीड करने में, तो केंद्र से क्या अब तक कितना सहयोग आपको मिल पाया है। दो बड़े बिंदु हैं कि कोरोना के बाद निपटेंगे कैसे, अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आएगी, और केंद्र कितना सहयोग कर रहा है। देखिए, अभी आरोप प्रत्यारोप लगाने का वक्त है नहीं, ना मैं लगाना चाहता हूँ। और मैं अपील करना चाहूँगा हमारे विपक्षी नेताओं से भी राजस्थान के अंदर कि बिना तथ्यों के आरोप लगाना बंद करें। हम नहीं चाहते माहौल बिगड़े राजस्थान के अंदर, अभी तक का माहौल अच्छा बना रखा है और हम सबको श्रेय दे रहे हैं। हमने क्रेडिट को भी, क्रेडिबिलिटी जो सरकार ने बनाई है गवर्नेंस करके, बीरवाड़ा मॉडल भी भारत सरकार के सचिव, स्वास्थ्य सचिव ने घोषित किया, हमने तो किया नहीं था। या जो कदम उठाए हम लोगों ने आज तक, जिसको अप्रिशिएट पूरा देश कर रहा है, तो हमने तो कभी अपनी पीठ थपथपाई नहीं थी। फिर भी हमारे जो नेता प्रतिपक्ष के यहाँ पर है, या जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छी परफॉर्मेंस में हम लोग सबको भागीदार बना रहे हैं, चाहे विपक्ष हो, सोशल वर्कर हो, एक्टिविस्ट हो, चाहे आम जनता हो। ब्यूरोक्रेट तो है ही, उसके अंदर पुलिस प्रशासन भी शानदार सब काम कर रहे हैं। हमने कोई श्रेय लेने के लिए कोई अभियान नहीं छेड़ रखा है, तब भी उनके स्टेटमेंट भड़काने वाले आ रहे हैं जनता को, वो उचित नहीं है। बिना तथ्यों के अभी तक तो कोई मदद मिली नहीं है। जो इमदाद GST पूरी मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं मिली अभी तो, जो हमारा हक है। कुछ पैसा मिला 2,750 करोड़, तो वो हमारा जो हिस्सा था रेगुलर वे में मिलना था, चाहे कोरोना नहीं आता तो ही मिलता। 1,500 रुपये और है तो कोरोना नहीं आता तब भी मिलता, वो पैसा हमें मिला अभी तक। जो कोरोना की महामारी ने पूरा चौपट कर दिया है देश की अर्थव्यवस्था को, राज्यों की अर्थव्यवस्था को, उस वक्त में जब तक केंद्र सरकार से जो हम लोगों ने मांग की है, राज्यों के लिए भी अलग से ग्रांट के रूप में पैसा मिले, ब्याज मुक्त कर्जा लें तो ब्याज मुक्त लें हम लोग, कर्जे का जो जो लिमिट होती है वो बढ़ाएं, मांगे ऐसी कि जो वाजिब मांगे हैं, आउट ऑफ वे मांग कोई नहीं की हम लोगों ने, उसी रूप में भारत सरकार को बिहेव करना चाहिए। वो अभी तक सामने आ नहीं रहा। स्टिमुलस पैकेज दुनिया भर के, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान सब दे रहे हैं, बड़े बड़े अपने GDP का 10% लगा के, 12% लगा के 15% तक दे रहे हैं। 12 से 15% किसे कहते हैं, हमारे यहाँ 1% भी नहीं मिला। उसके बगैर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री वापस चालू नहीं हो सकती। ऐसे MSME की बात छोड़िए, कोई चालू नहीं हो सकते। बड़ा स्टिमुलस पैकेज मिले, परचेजिंग पावर बढ़े, जनता तक पैसा पहुंचे और उनकी डिमांड बढ़े, वापस पैसा खर्च हो मार्केट में, तब जाके पूरी गाड़ी पटरी पर आएगी। उस दिशा में अभी कोई काम हो नहीं रहा है। कल सुना है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई मीटिंग ली है, उम्मीद करते हैं कि कोई फैसला करेंगे, पर जल्दी फैसला होना चाहिए। तो ये स्थिति है। और जहाँ तक राजस्थान गवर्नमेंट का मामला है, वो तो आप जब उद्योग धंधे बंद ही पड़े हैं तो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू तो आप देखते हो कोई मार्च में अप्रैल मिला करके करीब 10,000 करोड़ रुपये का लॉस हो गया है। तो आप सोच सकते हो 2 महीने में 10,000 करोड़ लॉस हो जाए तो पूरे साल में क्या होगा। तो जो हमारा बजट बनाया हुआ है उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग कहाँ का कटौती करें, हमारी मजबूरी बन जाएगी। भारत सरकार को चाहिए कि वो आगे आके इमदाद करे, जिससे कि कटौती कम से कम करनी पड़ेगी बजट के प्रावधान के अंदर।
धन्यवाद। थैंक यू गोवर्धन चौधरी जी। मैं अगला नाम